इसी के साथ ही ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4000 अंडे रास्ते से गायब हो गए हैं। जी हां, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 4000 अंडे रास्ते से गायब हो गए। एयरफोर्स में सप्लाई करने ऑटो चालक अंडों सहित निकला हुआ था, जो गायब हो गया है। एयरपोर्ट में अंडे नहीं पहुंचने पर ठेकेदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि मुरार थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। 4000 अंडे जो है वो रास्ते से गायब हो गए। इसी के साथ ही बता दें कि वाहन चालक भी गायब बताया जा रहा है। ग्वालियर से खबर सामने आ रही है, एयरपोर्ट में सप्लाई करने के लिए ऑटो चालक अंडों के साथ निकला हुआ था और अंडों के साथ ही वाहन चालक जो है वो गायब हो गया है। एयरपोर्ट पर अंडे नहीं पहुंचने पर ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लगातार जांच पड़ताल इस मामले पर की जा रही है। मुरार थाना क्षेत्र की यह घटना है। फिर आपको बता दें कि एयरपोर्ट में सप्लाई करने के लिए ऑटो चालक अंडों के साथ निकला हुआ था, लेकिन वाहन चालक और अंडे गायब हो गए हैं, जिसके बाद ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से 4000 अंडे जो है गायब बताए जा रहे हैं, वाहन चालक भी गायब हो चुका है, क्या अभी तक इसमें अपडेट आया सामने? जी बिल्कुल, ये ग्वालियर के एयरपोर्ट स्टेशन महाराजपुरा थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर की जो अंडों की सप्लाई के लिए जो वहां पर रवाना किया जाता है, जो एयरपोर्ट की सप्लाई होती है, उसको अंडे लेकर रवाना हुआ था जो ऑटो चालक है, और वो जो रास्ते से गायब हो गया। उसमें करीब 40,000 अंडे हैं, जिनकी हजारों में कीमत है, और उसके बाद से पुलिस तलाश रही है। इसमें अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है, और जानकारी के अनुसार जो ऑटो में जो अंडे और बाकी सामग्री थी पोल्ट्री संबंधी, वो सब भी उसको लेकर वो गायब है। तो इसको लेकर महाराजपुरा थाना में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, उसमें ऑटो चालक जो है वो लेके गया है, उसकी तलाश की जा रही है। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।